अभी कुछ ही समय पहले ही मैंने अपना ट्विटर अकाउंट खोल के देखा तो आपके जो योगी आदित्यनाथ साहब हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, महाराज जी की तरफ से एक आपका फरमान जारी हुआ है और आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आंदोलन इस तरह के जो हो रहे हैं इसमें भाग ले रहे हैं तो इसमें आप लोग थोड़ा सचेत होकर रहिएगा। जो कुछ है मतलब मिला भी नहीं है, मालूम चला कि जो कुछ है वो भी चला गया। तो देखिए आपके महाराज जी ने क्या एक तरह से फरमान जारी किया हुआ है, और आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश काफ़ी अच्छा स्थान रखता है राजनीति में, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि एक बड़ा स्टेट है और ऐसा माना जाता है कि दिल्ली की जो गद्दी है इसका रास्ता आपका उत्तर प्रदेश से ही निकल के जाता है, क्योंकि आप देखेंगे लोकसभा सीट में 80 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में आप देखेंगे आपकी 31 सीट देखने को मिलेगी, विधान परिषद में आपकी 100 सीटें और विधानसभा में आप देखेंगे 403 सीटें देखने को मिलेंगी, और सबसे ज़्यादा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री निकल के आए हुए हैं, नरेंद्र मोदी साहब को देख लीजिए, बनारस से चुनकर आते हैं। ठीक है, तो इनका ट्वीट आप लोग देख लीजिएगा। प्रदेश के युवाओं से मेरी अपील है कि वह किसी के बहकावे में ना आए, आज कोई गलत नहीं कर सकता और जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वह गलत कार्य करे। आप सभी देख रहे होंगे कि कुछ समय से आंदोलन भी चल रहा है उत्तर प्रदेश में, कुछ आपकी शिक्षक भर्ती भी है, SI दरोगा का भी है कुछ मामला, और भी आपके एग्जाम फंसे हुए हैं उनको लेकर भी बच्चे एक तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फेसबुक पेज पर आपने देखा होगा मैंने 2-4 वीडियो भी आपके डाले हुए थे, शेयर किए हुए थे, जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि मतलब एक तरह से बेशर्मी की पराकाष्ठा होती है, हद होती है। कोई आप समझिए नेता बेरोजगारी का मामला उठाने वाला नहीं है, ऊपर से अगर 2-4 कोई आंदोलन करते हैं, अगर 2-4 लोग उठाते हैं तो उन पर केस या इस तरह की धमकियां देकर उन्हें भी दबा दिया जाता है, और आप देखते हैं चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। बिहार का मामला ले लीजिए, उठा लीजिए आप लोग, 18-19 लाख के करीब किया गया था, अभी तक पता ही नहीं चला क्या हुआ, और जो जो भी भर्ती होती है उसमें धांधली ना हो ये मुमकिन ही नहीं है, हर में आप देखिए परंपरा बन चुकी है एक तरह से कि अगर कोई भर्ती होती है तो वो कई चरणों में निपटेगी, सबसे पहले पेपर हो, फिर कोर्ट जाइए, फिर वहाँ से फटकार खाइए, फिर सरकारों के चक्कर लगाइए, ये चलता रहता है, और ये एक राज्य की बात नहीं है, हर राज्य में आपको देखने को मिलेगा। क्या होगा? हर राज्य में देखने को मिलेगा। तो ये हाल बना हुआ है, अब देखते रहिए आंदोलन करना है क्या करना है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने बड़ी अच्छी एक कविता भेजी हुई थी, आप ही किसी मतलब आप ही लोगों में से, कि पढ़ा लिखा मैं कलमकार, घर में घर पर बैठा हूं बेकार, समाज करता तिस्कार और दोस्तों में मैं हूं बेरोजगार, भारत में एक नहीं हूं मैं, अकेला एक नहीं हूं, मेरे जैसे लाखों हैं, कुछ बने फिरते हैं अंधभक्त और कुछ तो युवा नेता, और मजदूरी के साथ साथ कुछ प्राइवेट नौकरी करते और कुछ घर में बैठकर सिर्फ 1.5 GB डाटा खर्च करते। तो ये हाल है, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए कि आप लोग भी अगर आंदोलन कर रहे हैं तो मालूम चला कि जो बना पाए नहीं कुछ प्रॉपर्टी और जो हाथ में है वो भी चली जाए, इसलिए जब तक ये सरकारें हैं तब तक डर के रहिए, और क्या कह सकते हैं, और अपनी बेरोजगारी को अपने आप से सुनाते रहिए क्योंकि सुनने वाला तो कोई होगा नहीं। एक बेरोजगार के बारे में क्या लिखा जाए, खैर छोड़िए, उनका दर्द समझने वाला शायद
एक वो खुद होता है, एक ऊपर वाला, दो ही लोग बस। अगर ऊपर कोई बैठा है तो वो बेहतर समझ सकता है या एक नीचे वाला। खैर छोड़िए, अपने महाराज जी का फरमान जो आया हुआ है इसे मानिए ना मानिए क्या करना है आप लोगों पर निर्भर करता है। और याद रखिए, फरमान देखकर मुझे तो ऐसे लगता है कि राजा महाराजाओं का समय चल रहा हो, कि या तो आप लोग चुपचाप बैठिए। राजतंत्र, लोकतंत्र की परिभाषा अलग होती है। यहाँ आपको, आप देखते हैं कि संविधान के भाग 3 में कुछ आपको मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, जिसमें आपको आंदोलन करने की भी छूट दी गई है, आपका अधिकार है बोलने का। लेकिन यहाँ तो आपका एक तरह से, और याद रखिए इतना युवा मुझे नहीं लगता है कि इतना बेवकूफ़ है कि कुछ समझ में ना आए, वो किसी के भड़कावे में बहकावे में आ जाए, क्योंकि आज बहुत आगे निकल चुका है। मेरे पास तो कुछ शब्द भी नहीं है। अगर मर्यादा बनाए रखिए और ऐसी कोई अगर शब्द हो, मर्यादा का उल्लंघन ना करते हो, तो आप लोग बताइएगा, नीचे कुछ शब्द बताइएगा। हर नेता के यही आप लोग देखेंगे क्वालिटी, एक तरह से वो सही कहा है किसी ने कि आज के नेताओं की और आज़ादी के समय के नेताओं की तुलना आप लोग, जमीन आसमान का फर्क आपको दिखाई देगा। अगर आज के नेताओं की तुलना हम उस समय के नेताओं से करते हैं, तो मुझे लगता है कि उस समय के नेताओं के आत्मा को, मतलब हम लोग उन्हें एक तरह से दुख पहुंचा रहे होंगे। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, क्या मतलब ईमानदारी की मिसाल रहे हैं। तब जाके आप समझिए कि आज़ादी के बाद कई समस्याओं से घिरा हुआ था देश, तब कुछ कर पाए थे। आज के नेताओं की हर की, ऐसा नहीं कि बीजेपी वालों की है, हर पार्टी में आप देखेंगे, बस अपना एक तरह से या तो माँ बाप से या किसी भी तरह से अपनी राजगद्दी या किसी कोई राजनीतिक उत्तराधिकारी बन गया, उसके बाद ना तो कभी आंदोलन किया, ना तो कभी मेहनत की हुई है, ना तो उन्हें किसी की दर्द से कोई मतलब। आपने लॉकडाउन देखा पूरा, ऑक्सीजन के दूसरे कोरोना काल में, दूसरे टाइम में भी आप लोगों ने देखा किस तरह से चरमराई हुई थी व्यवस्था, आदमी रोड पर मतलब तड़प तड़प के मर गए। उसके बाद आपने देखा अभी लोकसभा में, आपने देखा संसद में किस तरह से बयान दिया गया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की डेथ नहीं हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज का इतिहास लिखा गया, और लिखा तो जाना है, लिखा क्या गया, आप सभी जानते हैं कि आज की जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी हम लोग कर रहे हैं, इसका इतिहास तो लिखा जाएगा, इसमें कोई शक भी नहीं होनी चाहिए। आप सभी लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा 1857 के 58 के आसपास का समय, आप सभी जानते हैं, और आप सभी ने इतिहास की स्पेशल कोई बुक्स उठा के देखी होगी, पढ़ी होगी, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि कुछ मतलब भारत की, इंडिया में कुछ गद्दार थे, उनमें से एक नाम आता है सिंधिया घराने का, और आज भी आप लोग देख रहे हैं उस नाम को, पढ़ रहे हैं एक तरह से, और आने वाले समय में भी वो नाम नहीं हटने वाला है। और आज हम देखते हैं कि एक तरह से अंग्रेजों के समय भगत सिंह से सुखदेव राजगुरु, इन्हें क्या क्या उपाधियां नहीं दी गई, आतंकवादी देशद्रोही, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज उनका आकलन हुआ है, आज हम उनकी पूजा करते हैं, सम्मान देते हैं। मतलब आप सोचिए, बेशर्मी की हद पार होती है। हर नेता के बारे में बात कर लीजिए, किसी को किसी के मतलब आप समझिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि अगर तपस्या शायद किसी सन्यासी को नहीं करनी पड़ती इतनी, जितना एक छात्र को, मीडियम परिवार खासकर, उसे करनी पड़ती है। किस तरह से वो अपनी मतलब तैयारी के लिए जाता है, तो कौन कौन सी परेशानियों से जूझता है, खाना बनाने से लेकर दुनिया भर की आप समझिए। और इसको शायद, मुझे नहीं लगता है कि दर्द को कोई समझे, मतलब समझ में आए, जिस पर बीती हो वही तो समझता है।
ये लोग मतलब आप सोचिए कि इतना लाखों लोग परेशान हो रहे हैं, या किसी ने अपना खोया। मुझे नहीं लगता है कि भारत में कोई एक व्यक्ति आप लोग ढूंढ के लाएंगे जिसने अपने दोस्त का या पास का रिश्तेदार या कोई भी रिलेशन में ना खोया हो कोरोना से, उस पर ना प्रभाव पड़ा हो कोरोना से। देखिए नेताओं के मुंह पर हंसी बनी रहती है, हंसते रहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आप नीतीश, जो आपके बिहार के सीएम साहब हैं, उनके भी आप लोग देख रहे होंगे फरियादी लेके जा रहे हैं, कोई जनता दरबार लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, उसमें बड़े मुस्कुराते हुए मतलब बात की जा रही है, कोई अपनी रो के दर्द सुना रहा है, कोई अपनी भर्ती के बारे में बता रहा है कि इतने सालों से उसकी भर्ती पड़ी हुई है, और वो हंस के बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन इतना क्लियर है कि आज के इतिहास अगर लिखा गया अच्छे से, तो हमारी आने वाली पीढ़ी जितनी गाली हम लोगों को देगी, उतना शायद मुझे नहीं लगता है कि किसी समय की नस्लों को पड़ी होगी। क्योंकि हम लोगों ने जब चुप बैठ जाते हैं हम लोग कि हमारा क्या फर्क पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा है चुनाव के बाद किस तरह से महिलाओं के साथ, दो महिलाओं के साथ काफी वीडियो वायरल भी हुए हैं, कुछ भी हुआ है उसके बाद आपने देखा नहीं कि संसद में इतनी महिलाएं होने के बाद कोई किसी की आवाज नहीं निकली। उसके बाद सभी कहते हैं कि बड़े शांति से चुनाव हुआ, यानी कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि इस तरह की महिलाओं के साथ अभद्रता होती है या इस तरह की मारपीट होती है तो वो आम बात हो चुकी है चुनाव के लिए। कहने का सीधा सा मतलब इतना ही रहा है। और जो आपके ऑक्सीजन से नहीं मरे हुए, वो हो सकता है कि उन्होंने अपनी सांसें खुद रोक ली हो और उनने अपने आप को मार दिया हो, या फिर ऐसे आप लोग विपक्ष की साजिश भी कह सकते हैं कि उन्होंने ही अपने कार्यकर्ताओं को मार के गंगा इन बाकी नदियों में बहा दिया हो। क्या बोलूं, कुछ नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है, आप अपने हिसाब से शब्द जोड़ते रहा करिएगा। लेकिन मुझे ये ट्वीट बड़ा मतलब विचित्र लगा, और मुझे तो राजतंत्र की यादें आ गईं कि हम लोग राजाओं के बारे में पढ़ते थे ना, कि राजा साहब ने, एक महाराज साहब ने या किसी ने एक फरमान जारी किया हुआ है कि आपको ऐसा मानना होगा वरना आप पर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो वही फरमानगिरी आज भी चल रही है। हर सरकारों का यही हाल है, राजस्थान की देख लीजिए, कांग्रेस की है, अशोक गहलोत साहब को, वहां देखिए आप हर भर्ती फंसी हुई है, वहां भी कई भर्तियों में आप देखेंगे धांधली हुई है। बिहार, राजस्थान, एमपी, उत्तर प्रदेश, दुनिया भर के आप लोग स्टेट उठा के देख लीजिए, कहीं आप लोगों को कुछ नहीं, कहां तक तैयारी करे युवा। रेलवे का आपने देखा होगा, उसका भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। कुछ हुआ था आंदोलन, उसका आपने देखा था कि कुछ समय तक रिजल्ट दिखा, उसके बाद वो भी कहाँ चला गया, गुम हो गया, मालूम ही नहीं चला। कुछ दो चार एसएससी के रिजल्ट की बात हुई थी, उस पर भी कुछ नहीं हुआ है। तो ये हाल बना हुआ है। खैर छोड़िए, आशा बनिए, बनाए रखिए और लगे रहिए, अब जो होगा होगा, देखते रहिए, ठीक है।